हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं टेस्ट करने वाली हूँ वायरल फैशन हैक्स को। सो मैंने अपने पिछले वीडियो में वायरल हेयर हैक्स को ट्राई किया था। सो वो काफ़ी फन वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। तो आज के वीडियो में मैं टेस्ट करने वाली हूँ वायरल फैशन हैक्स को। सो इंस्टाग्राम पे ऐसे हैक्स तो भर भर के देखते हैं मुझे, सो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए और इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन हैक्स को और देखते हैं ये पास होते हैं। सो जो फर्स्ट हैक है उसमें इन दीदी ने फ्रंट में नॉट बना लिया है, वो भी बिना किसी रव एंड हेयर टाइप को यूज़ किए हुए। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे पे काम करता है। अभी फिर से ट्राई करते हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम तो मेरे से नहीं हुआ लेकिन सेकेंड ट्राई पे ये बहुत अच्छा हुआ है। सो ये हैक होता है पास, और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। सो नेक्स्ट हैक में इन दीदी ने किया है अपने दोनों कॉर्नर्स को हेयर बैंड से टाई एंड देन इसे अंदर की साइड कर दिया है। वाह, बड़ा नीट एंड क्लीन सा इनका लग रहा है, हम भी ट्राई करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, ये टेस्टिंग आउट वीडियो तो काफी सही जा रहा है अभी तक। दोनों हैक सक्सेसफुल हो गए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। चलते हैं हम अपने थर्ड हैक की तरफ। उसमें इन दीदी ने क्या किया, अपने टी शर्ट को लिया है दोनों कॉर्नर से ट्विस्ट कर दिया, उसके बाद उसे अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। ओके वाओ, बहुत सुंदर है ये, हम भी करेंगे ये वाला ट्राई। ये कितने अच्छे लग रहे हैं, ये हैक्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब आपके पास अगर कोई बैगी टी शर्ट्स वगैरह कुछ भी है आप यूं उसे क्रॉप टॉप में कन्वर्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट और सेकेंड हैक की तरह ये हैक भी हमारा होता है सक्सेसफुल। फोर्थ हैक के लिए दीदी ने क्या किया है हम देखते हैं। इन्होंने आगे से अपने टॉप को अंदर किया शर्ट को और पीछे से रोल करके पीछे टक इन कर दिया। ठीक है, हम भी करेंगे
ये बहुत ज़्यादा ईजी है ये वाला। सो हमारा फोर्थ हैक भी होता है सक्सेसफुल। अब देखते हैं हम अपने फिफ्थ हैक को, बस होपफुली वो भी वर्क कर जाए। मैं दीदी ने दो कॉर्नर से ही दो साइड्स लिए हैं देन उन्हें ओके। सो फिफ्थ हैक में उन दीदी ने किया क्या है, उन्होंने साइड से ऐसे दो सेक्शन ले लिए, इन्हें आपस में बांध दिया। दीदी के जो कपड़े का मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए वो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची मटेरियल है, इस वजह से उनका दो बार उनसे वो बंध गया, मेरे से तो एक बार नहीं हो रहा। दीदी के शर्ट का मटेरियल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची है, इसलिए उनका दो बार टाई हो जा रहा है, मेरा एक बार से ज़्यादा हो नहीं रहा, तो इसलिए उनका जो बिल्कुल नॉट वाला लुक आ रहा है ना, वो मेरे टी शर्ट के साथ नहीं आ रहा। ठीक है, पर ऐसे भी काम चला लेंगे, काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। सो जो हमारा लास्ट हैक है, बढ़ते हैं हम उसकी तरफ और देखते हैं वो सक्सेसफुल होता है या नहीं। इसमें दीदी ने क्या किया है, अपने वेस्ट पे उसे टाई कर लिया है और इसे ऊपर से अपने टी शर्ट को ऊपर से पुल कर लिया है इन्होंने, इतना अच्छा क्रॉप अप बन गया इनका। आपको टकिंग करने की भी कोई झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ज़्यादा बड़े मतलब बैगी टी शर्ट्स वगैरह होते हैं उन्हें टकिंग करने के बाद ना जीन्स की तो ऐसी तैसी हो जाती है हमारे, हमारा पूरा शेप बिगड़ जाता है। सो मुझे ये वाला हैक ट्राई करना है। शू लेस का तो पता नहीं, पर मेरे पास ये कुछ रस्सी टाइप की है, ये भी काम करेगी, तो चलिए देखते हैं। ओके, उन्होंने अपने वेस्ट पे इसे ऐसे बांध लिया था, ये दिख रहा है ऐसा, ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, और मैंने अपने धागे को बहुत ज़्यादा नीचे बांध लिया है, इसलिए ये कुछ ऐसा लग रहा है, हम जितना ऊपर बांधेंगे वो इतना ज़्यादा क्रॉप टॉप हो जाएगा हमारा, हमारा टी शर्ट उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो एक बार और ट्राई करते हैं, हम इसे और ज़्यादा ऊपर बांध के देखते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड लास्ट टाइम के उस वायरल हेयर हैक्स जैसे ये टर्न आउट नहीं हुए, ये फाइनली मतलब अच्छे निकले, यूजफुल हैक्स निकले, थैंक गॉड। सो ये था मेरा वायरल फैशन हैक्स को टेस्ट करने वाला वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा फैशन हैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।